हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट टाइम्स पर। और आज हम क्लास थर्ड के एनसीईआरटी के लास्ट चार चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 21, 22, 23 और 24। बहुत कुछ ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ कि फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन क्योंकि सीक्वेंस चल रहा है, सीरीज चल रहा है, एक बार हम फटाफट इनको देखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़रूर लाइक और शेयर करते हुए चलिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। तो आज है पहले 21 नंबर चैप्टर है, तरह तरह के परिवार। परिवार इससे पहले भी हम पढ़ चुके थे, तो परिवार में बोलो भाई कितने सब मिल करके आओ खेलें। तो इस तरीके से बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। ताली बजाने वाला बच्चा अचानक ताली रोक करके कोई भी छोटी सी संख्या जैसे कि 5, 4, 2 जोर से पुकारते हैं। ताली रुकने पर ग्रुप में बढ़ जाते हैं, टोली में बढ़ जाते हैं। जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़ पाते वो खेल से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, चेयर में घूमते रहो, अगर बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो खेल के बाहर। तो उस तरीके से खेल यहाँ पर बच्चे कुछ खेल रहे थे। अब खेल के बारे में बात करते हैं कि तुम्हें सही संख्या के ग्रुप में शामिल हुए तो तुम्हें कैसा लगेगा, क्यों? या आपस में डिस्कशन का मुद्दा चल रहा है, क्यों डिस्कशन कर रहे हैं हम? क्योंकि बोलो भाई खेल में ताली बजाने, संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। बच्चों की संख्या के अनुसार पुकारे जाने वाली संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। मतलब कि बच्चों जब ग्रुप में बटेंगे तो उनका क्या होगा, उनका होगा सामाजिकरण, सोशलाइजेशन उन बच्चों का हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चों का सामाजिकरण बच्चों का हो जाएगा। तो इसलिए हम खेल खेलते हैं, परिवार भी समाजीकरण की पहली कड़ी माना जाता है, ठीक है? अब देखो रीज़न एक और कि हम सब अकेले ना रह करके लोगों के संग रहना पसंद करते हैं, किसी न किसी गुट में खड़े रहकर जीते हैं। चलो देखते हैं ऐसे गुट में गुरलीन और बाकी तो बच्चों के नाम है कि किस किस तरीके से हैं। अब ये बोलने की दिए गए चित्र में एक परिवार के हैं जो लोग हैं, एक परिवार के हैं, और जिस प्रकार का फोटो यहाँ पर दिखाया गया है वो कौन सा है, एकल परिवार। वो क्या दिया गया है, एकल परिवार का चित्र दिया गया है, ठीक? चलो सीतम्मा की बात करते हैं। सीतम्मा एक छोटे से शहर गुंटूर, गुंटूर कहाँ है तो भाई पूछ लेता है बहुत बार हमसे, तो आंध्र प्रदेश का एक शहर है गुंटूर, याद रख लेना। क्वेश्चन पूछा जाता है मकान में दादा दादी बुआ रहते थे, मतलब कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार रह रहा था, ठीक है? बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में पाठ चर्चा में हुई चर्चा को ध्यान रखना होगा। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवार में विविधता से पाठ की कक्षा की शुरुआत हो सकती है। इस तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब फिर से इन्होंने बोला कि चाचा चाची भी हैं, ताया ताए भी थे। सीतामा माँ सबको पढ़ाई करवाती थी, सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता था। संयुक्त तो परिवार की एक एक खासियत है कि सबका खाना इकट्ठा बनता है, रात को सब मिलकर खाना खाते हैं। ये संयुक्त तो परिवार की दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता हमें मिल जाती है, ठीक? और मुसीबत के समय एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये भी संयुक्त तो परिवार की विशेषता मिलती है। अब तारा की बात करते हैं। चेन्नई, चेन्नई आपको पता ही है तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई, ठीक? तो अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की और रात और तारा को गोद लिया। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है, शाम को घर आती है। तो ये तो सारी की सारी कहानी है यहाँ पर उनकी। स्कूल का काम करने में मदद करते हैं, साथ खेलते हैं, कभी कभी तारा की मौसी मौसा भी आ जाते हैं। तो फिर से संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं, तारा की देखभाल कौन करता है, परिवार के लोग मिलकर क्या करते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। अगला एक और, सारा और हबीब एक ही शहर में रहते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अबू रिटायर हो गए हैं, साथ में रहते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर के टीवी देखते हैं, ठीक है? या ताश खेलते हैं, मतलब कि संयुक्त तो परिवार में आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर टीवी देखना, ताश खेलना, बातचीत करना, मनोरंजन के साधन भी होते हैं। और साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी बहस भी हो जाती है, चर्चा भी हो जाती है, ठीक है? तोताराम, फिर से वही पिताजी चाचा जाती, तो परिवार की बात चल रही है। मुंबई कहाँ है तो मुंबई है महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में है। तोताराम के चाचा हाथ में खाना सभी को पसंद है, तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को पसंद है। जितना पैसा कमाते कुछ हिस्सा गाँव में दादा को भेज देते हैं। तोताराम की माँ, दादा, दादी, चाचा, चाची सब गाँव में रहते हैं। एक और तोताराम साल में एक बार गाँव जाता है, अपनी माँ की बहुत याद आती है, तो लंबी लंबी चिट्ठी भी लिखता है वो। एक दूसरे से संपर्क कैसे बनाया जाता है, तो खत के द्वारा, तार के द्वारा, अब तो फोन भी हो गया है,
ठीक है, ईमेल हो गया है, और इसके अलावा वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। कृष्णा कावेरी, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से सुनना, कृष्णा और कावेरी जब नदियों की बात करता है तो ये दक्षिण भारत की नदियाँ हमें मिल जाती हैं। ठीक, चलो कृष्णा कावेरी स्कूल को छोड़कर जाते हैं, पिताजी दुकान पर जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। तो ये तो अलग अलग परिवार के बारे में कि अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, तो और इनको पढ़कर आपको केवल चर्चा करनी है, विचार विमर्श करना है। परिवार के लोग ऐसे एक दूसरे जैसे दिखते हैं क्या? हाँ बिल्कुल है कि एक दूसरे जैसे दिखते हैं, जैसे दक्षिण भारत की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें, परिवार के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार होता है, बिल्कुल ठीक है। एक ही परिवार में जन्म होने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए बिल्कुल ठीक है ये। और परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं, बिल्कुल। तो पाठ में परिवार के बारे में बताया गया है और अलग अलग तरीके के परिवार की चर्चा करनी चाहिए विविधता को समझने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मिलती हैं, इनसे डिटेल में चीज़ों को हम आपस में चर्चा फिर कभी करते हुए चलेंगे। परिवार जैसे आपने पहले पढ़ ही चुके हैं मेरे वीडियोस में, सीता के दर्शन, अब देखो ये संयुक्त परिवार है, दादा दादी हैं, उनके बहुत सारे एक ही फैमिली में, नाना नानी, तो नानी की तरफ से माँ है, और फिर सीता माँ गीता माँ, और इनके बच्चों की हम बात कर लें तो इस तरीके से संयुक्त परिवार है। रिश्तों की बात करें तो ये ब्लड रिलेशन में आ जाता है सारे का सारा, और माँ और नाना नानी वाला मैटेरियल रिलेशन वैवाहिक रिश्तों में आ जाता है। चलो अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर चैप्टर नंबर 22, दायां बायां की बात कर रहा है, तो दायां कौन सा बायां कौन सा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान रख लेना। जो आप रीजनिंग का क्वेश्चन कहते हैं, ये कौन सा हाथ है, ये राइट हैंड है, यानी कि दायां हाथ हमें मिल जाता है। ठीक, तो दायां बायां की बात करते हैं, तो दाएं कौन बैठा बाएं कौन बैठा, इसका आंसर दो। लेकिन हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी आप बात करोगे किसी भी नदी की, जब आप बात करोगे रेल की, जब आप बात करोगे गाड़ी की, तो हमेशा ध्यान रखना इनकी जो गति की दिशा होती है, ठीक है, गाड़ी या फिर किसी भी मानव के चलने की बात करते हो, तो इनकी गति की दिशा में, इनकी गति की दिशा में ही आपको दाया या बायां सोचना है। मतलब कि अगर एक व्यक्ति की हम बात करते हैं और वो इस दिशा में जा रहा है, एक व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, तो मैं अगर इसको देखूंगा तो मेरा भी इसी दिशा में जाने का अगर होगा तो ये दायां और ये बायां माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है और ये इस दिशा में जा रहा है, तो अब यहाँ वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और यहाँ वाला दायां हो जाएगा। मतलब कि जिस तरफ को ट्रेन, नदी, रेलगाड़ी, मानव कोई चल रहा होगा, उसी तरफ को आपको मुंह करके बैठना है और दायां बायां ध्यान रखना है। जैसे कि मैं जैसे बैठा हूँ, आप लोग जैसे देख रहे हैं, उसी प्रकार से ये एक लड़की यहाँ बैठी है, और ये इसका राइट हैंड है, तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे रीजनिंग के, तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। जैसे कि अगर एक व्यक्ति अपने घर से निकला, और हमेशा ध्यान रख लेना कि जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा आपके सामने की तरफ उत्तर होता है, आपका प्रश्न यही होता है ना कि दिशा कौन सी है, तो सामने ही उत्तर मिलेगा, तो उत्तर यानी कि नॉर्थ होता है, और सीधे हाथ हमेशा क्या होता है, पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट की ओर होता है। तो आप बाकी तो आप कर ही सकते हैं, घर से निकले और घर से निकल के आप पूर्व की ओर चल रहे हैं, तो आपको पूर्व की ओर चलना है, और पूर्व की ओर चल के अगर आप कहाँ मुड़ रहे हैं, बायां मुड़ रहे हैं, अब बायां यहाँ पर होगा, ध्यान रखना चलने की दिशा में बायां यहाँ पर होगा। अब अगर मैं बोलूँ मुझे दाएं मुड़ना है, तो मैं इस तरफ को चल रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना कि आप भी इसी तरफ को चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां, तो ये लेफ्ट ये राइट। ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से एक और दिशा वाले क्वेश्चन बताऊंगा सीटेट से रिलेटेड, फिलहाल ये ध्यान। तो इस तरीके से आप दाएं बाएं जा करके घूम सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं, बस अब तो नॉर्मल है, दाएं बाएं मिलान करो, ये चीज़ करो, तो ये आप आराम से कर सकते हो कि कौन किस दिशा में जा रहा है, किस तरीके से चल रहा है। बताइए निशान क्यों लगाए गए हैं, निशान क्यों लगाए हैं गए हैं, क्योंकि आपको पता चल सके आगे सड़क बंद है, ये पेड़ है, ये हॉस्पिटल का निशान है, तो इस तरीके से निशानों के बारे में, घर का निशान है, ये बनाए जाते हैं। ठीक, मैप बनाते समय संकेत,
रुचिका अगर स्कूल, डाकघर, पेड़, अस्पताल, बस स्टॉप, कुआं, दुकान, गेट, घर, ये सब यहाँ पर आपको ज़रूरत के हिसाब से बना देने हैं। अस्पताल प्लस पर देखा होगा, ठीक है, तो अस्पताल की हम मदद कर सकते हैं। चिन्ह और उसके सिंबल पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चल पाए। चलो ये तो मिल गया है फिलहाल, ये घर है, ये पेड़, ये हैंडपम्प का निशान होता है, ये गेट का निशान है, ठीक है, ये कुआं है। हैंडपम्प और कुएं के निशान में अंतर देखना, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पर पानी है। बस स्टॉप जैसे अक्सर सड़क के किनारे पर इस तरीके का एक बॉक्स बना होता है जहाँ बस आकर के रुकती है और लोग चढ़ते और उतरते हैं। डाकघर, अस्पताल, दुकान और स्कूल की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने निशान बनाया। स्कूल का निशान हो सकता है कुछ और भी हो, ठीक, मंदिर, चर्च, इस तरीके के निशान हमें यहाँ पर देख लेते हैं। चलो कपड़े कैसे कैसे यहाँ पर बात करते हैं, तो कपड़ा सजा कैसे कैसे। साजिदा अपने आपा के बहुत ही सुंदर दुपट्टा लिया, तो कपड़ों के बारे में इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। किसी मोटे कपड़े को बारीक से देखो, क्या तुम खड़े और लेटे हुए धागे दिखाई देंगे, मतलब कपड़ा बुना जाता है इस तरीके से आपस में गुंद करके, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। रेशम का कपड़ा, टेरिकॉट का कपड़ा बात कर लेते हैं हम, खादी का कपड़ा जिसे सूती कपड़ा बोलते हैं, इस तरीके से कपड़ा बुना जाता है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक। बॉर्डर टेप चिपका दो, खुलेंगे नहीं। कपड़ों पर छपाई की जाती है, तो ठप्पों के द्वारा कपड़ों पर छपाई और डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जैसे कि भिंडी के, गोभी के फूल या फिर भिंडी के बीज के हिस्से से रंग लगा करके ये डिज़ाइन बनाया गया है, ठीक। कपड़ों की बुनाई और छपाई पारंपरिक कला है, जैसे कि आप बात कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो आप, मैंने आपको बताया है। चिकनकरी कौन से राज्य की है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। कलमकारी कौन से राज्य की है, ये लोग आप मुझे बताओ। और फूलकारी कौन से राज्य की है, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। चिकनकारी, कलमकारी, फूलकारी, ये तीन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। चलो अगला और लास्ट चैप्टर, जीवन का जाल। तो जीवन के जाल में बहुत कुछ नहीं है, अक्सर जब आपने इकोनॉमिक्स में, यानी कि जब आपने पढ़ा, इकोलॉजी में पढ़ा, जैसे गिलहरी सांप को खाता है, सॉरी, सांप गिलहरी को खाता है, गिलहरी घास फूस खाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं सूरज घास में जाएगा, तो इस तरीके से जीवन का एक जाल बनता है जिसको हम क्या पढ़ लेते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं खाद जाल। इसके बारे में डिटेल से आगे चर्चा करते हुए चलेंगे, फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक दूसरे पर जीवन डिपेंड होता है, निर्भर होता है, और एक दूसरे पर जो जीवन निर्भर होता है वही हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या तुमने खुद को घर से जोड़ा, अब अपने चित्र से एक लाइन खींचकर उन चित्रों को जोड़ो जो तुम्हें अपने जीवन जीने के जरूरी हैं, तो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें जरूरी हो जाती हैं, जैसे कि लकड़ी, ईंट, मिट्टी, पानी, ये सब चीज़ें हैं। तो अब जैसे ही इन सबको जोड़ते चले जाओगे तो खाद जाल, जीवन का जाल आपको मिल जाएगा, जीवन जीने के लिए जरूरी है वो जीवन का जाल मिलता है, ठीक है। जैसे कि बच्चों द्वारा बनाया गया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की परस्पर निर्भरता, यानी कि हम जीवन जीने के लिए किस पर निर्भर हैं, मैं सूरज पर निर्भर हूँ, पेड़ पर निर्भर हूँ, या फिर जानवरों पर निर्भर हैं, दूध के लिए, मांस के लिए, तो इस तरीके से जीवन का जाल बनाने में आपको मदद मिलेगी और समझ मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट और टॉपिक चल रहे थे जो लास्ट के चार टॉप चैप्टर थे, फटाफट कंप्लीट करें। बहुत ज़्यादा डिस्कशन चैप्टर के अंदर नहीं था, लेकिन इनसे रिलेट करते हुए फैक्ट फिर आगे करेंगे, और SST भी जल्दी स्टार्ट करूँगा, ज्योग्राफी से शुरू करूँगा। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर देना, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि यही आपके और हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।